अच्छा मैंने अपनी लाइफ में ना बड़ी लुका छिपी खेली है. वाह. सारी उम्र जिस लड़के से छुपता रहा, एक दिन उसने मुझे ढूंढ लिया, जैसे ढूंढा हमारी शादी हो गई. कार्तिक कृति, आपने कभी बचपन में खेली लुका छिपी या बड़े होके कॉलेज दिनों में ऐसे कभी खेला है? मतलब हमने बचपन वाली खेली है. अच्छा, आपकी वाली थोड़ी. नहीं, मैंने भी बचपन में शुरू की थी, खत्म होते होते जवानी आ गई. कार्तिक की मम्मी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. इतना खूबसूरत बच्चा जो होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है? आई मीन मतलब बड़ा प्यारा है आपका बेटा, बड़ा टैलेंटेड है. अब शादी हो गई तो प्रोसीजर भी कुछ कहना चाह रहे हैं. हमारा दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है. नहीं, वो तो कॉम्बिनेशन तो, वो तो चलिए जग जाहिर बात है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऐसे मतलब कौन से भगवान की पूजा की जानी चाहिए, कौन से व्रत रखने चाहिए कि बच्चा इतना खूबसूरत और टैलेंटेड हो. प्रीटी वाइफ हो जाएगा. कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए बस, जैसा आपका और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए. अच्छा सोचना चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए. सोच सोच के कुछ होता नहीं है. किनको भेज दे? हाँ ले आओ दादा. अच्छा आते तुम इधर से, जाते उधर, क्या चक्कर है? थैंक यू. ट्राउजर देखो, गब्बर सिंह वाला पहना है. अभी लगता है जाते जाते पूछो कितने आदमी थे. दवा भी भेजिए. बाप रे, रुको. दवाई भी. सॉरी गाइस. आप देख सकते हैं वेरी बिग बजट. हम लोग दवाइयां वगैरह भी मतलब देते हैं हमारे गेस्ट को. तो ऐसा ही नहीं, आप जो भी फिल्म प्रमोशन करना चाहे, अगर आपके कह रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वी हैव मेडिसिंस आल्सो, वी हैव जिंजर लेमन वाटर आल्सो. पकड़ देखो इसको. एटीट्यूड, एटीट्यूड. जब ब्रेली की बर्फी में कृति को यूपी की लड़की का रोल करना था, तो ये लखनऊ गई, वहाँ पे 10-15 लड़कियों के साथ टाइम बिताया. मैं राइट? जी जी जी. इन्होंने मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. उसके बाद राप्ता में जब इनको स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो इन्होंने फिल्म के पहले दोनों चीजें सीखी. लुका छिपी में जैसे लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर है, तो फिर तो मेरा कहने का मतलब है जैसे ये फिल्म जो है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर है, तो इसका डायरेक्टर कौन है? ओके, मैं मुद्दे की बात करता हूँ. कहने का मतलब इस फिल्म के लिए कैसी तैयारी की आपने? एक्चुअली इसमें ना गुड्डू और रश्मि भी पहली बार ही लिव इन कर रहे हैं. हाँ, okay. तो इसलिए ऐसा एक्सपीरियंस होना नहीं था मुझे, तो वो फिल्म के दौरान ही हम मतलब सुन तो लो, मतलब हम डायरेक्टर से बातचीत करते थे कि क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप में. डायरेक्टर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं? नहीं, पर वो डायरेक्टर है. पर वो डायरेक्टर है ना, तो उन्हें शादी की क्लैरिटी है. अच्छा, तो वो शादी में जो होता है लिव इन में भी ऑलमोस्ट वही होता है, बस शादी ही नहीं हुई होती है. प्रोसेस सेम होता है, खाली ये है कि खर्चा बच जाता है आपका. हाँ, मतलब पति पत्नी की सारी हरकतें करते हैं लोग. हाँ जी हाँ जी, वो तो हाँ, वो तो. अच्छा, एक आपने ट्रेलर में देखा होगा कि कार्तिक अपने पजामे का नाड़ा ना इनकी शर्ट के साथ बांध के फेरे ले रहे हैं. आपको डर नहीं लगा कि अगर ये थोड़ा सा तेज चलने लगी तो ट्रेलर तो पूरी फिल्म उधर ही दिख जाती ना? ये क्रिएटिव आइडिया किसका था यार? बड़ा मजेदार आइडिया था. मतलब पहले ये था कि हम लोग शायद से बस कुछ हाथ पकड़ के घूमने वाले थे. इम्प्रोवाइजेशन में मेरे पास नाड़ा था, तो मैंने ऐसे पूछा कि नाड़ा बांध दे उनको, तो इन्होंने भी अपनी शर्ट भी निकाली. इन्होंने भी बोला शर्ट कर शर्ट नहीं निकाली मैं मतलब शर्ट मतलब वो बड़ा यूनिक आइडिया था. एक्चुअली ना मैं कहता हूँ ऐसी ही शादी होनी चाहिए, कोई खर्चा ही ना हो. सच्ची अपने एक यार दोस्त को रखो, वो भी इसलिए कि उसने शूट करना है. करेक्ट, वरना वो भी ट्राइपॉड पे रख के आप खुद ही फेरे ले लो. अपनी शादी के पैसे अपने आप पर एंजॉय करो, बाहर घूमने जाओ. खर्चे का सदमा है अभी भी. अभी भी खर्चा बहुत हो गया है. हैं? है? क्या क्या चार रिसेप्शन बोल रहा है? तूने बड़ी गिनी है बे सीए पे. You also did 4 receptions. Yeah, big fat wedding. Big fat wedding. Big fat wedding. हमारे कई रिश्तेदार तो अभी भी रुके हुए हमारे घर पे. Really? हाँ, जा ही नहीं रहे वो. चले जाओ अभी. एक तो मेरी मासी अभी भी इधर बैठी हुई है. ओके, कृति, लिव इन रिलेशनशिप को प्योर हिंदी में क्या बोलेंगे? सेंटेंस होगा, मतलब लड़का और लड़की एक साथ बिना शादी के एक घर में रहते हैं. ये तो डेफिनेशन हो गई ना, लिव इन रिलेशनशिप. लिव इन, उसको प्योर हिंदी में क्या बोलेंगे? ये कॉन्सेप्ट अंग्रेजी है भैया, ये हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट नहीं है. वाह, अंदर रहते.
ओ कुछ हमारे मेहमान बोलना चाहते हैं, माइक दे दीजिए उनको। जी सर। इच्छा अनुसार रहना। इच्छा अनुसार रहना। इच्छा अनुसार। इच्छा इच्छा अनुसार रहना। इच्छा अनुसार रहना। इच्छा अनुसार साथ रहना। आपकी बड़ी इच्छाओं का पता है आपको कहाँ? कहाँ से हैं सर आप? मैं सर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इंटरनेशनल फैंस गाइस। तो सर वहां पे तो काफी देर का ही होगा ना ये इच्छा अनुसार रहना? उधर तो अब कम हो गया बट यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी वाइफ भी साथ है, ये जो बोलते हैं कि लिव इन में इच्छा अनुसार, तो जो शादी होती है वो इच्छा अनुसार नहीं होती? लॉटरी है। लॉटरी है, निकल आए तो अच्छा है। बट हमारे मेरी तो लॉटरी निकली है। वाह। वो तो वाइफ साथ है ना इसलिए बोल रहे हो आप। अरे आप कितनी क्यूट लग रही है, हैट पहना हुआ आपने। कहाँ से है मैम? लुधियाना। अच्छा फीलिंग तो गोवा वाली दे रहे हैं आप। घूम के आए गोवा से। अच्छा गोवा से घूम के आए हो। किनके साथ आए आप? ये मेरे हस्बैंड राज कपूर। राज कपूर? नहीं सीरियसली उनका नाम राज कपूर है? अच्छा जी। आपका नाम? सुनीता कपूर। अच्छा जी। नरगिस नहीं। नरगिस पर बड़ा बड़ा क्यूट लग रहे हैं आप दोनों। हाँ। दोनों ही आए साथ में, और भी कोई आया? हम दोनों ही आए हैं। अच्छा घूमने गए थे गोवा? हाँ जी। हनीमून पे? बहुत काम कर लिया आप, हनीमून मना ले, पहले तो मनाया नहीं। नहीं नहीं बड़ी अच्छी बात, पहले नहीं मनाया। पहले मनाया नहीं, टाइम ही नहीं मिला इनको। बच्चे कितने आपके मैम? बच्चे 3। आप तो कर दे टाइम ही नहीं मिला था। वो पता नहीं कैसे हो गई। पर बड़ी क्यूट लग रही है आप हैट में ना। थैंक यू। हाँ पूरी मुगैम्बो लग रही है। मुगैम्बो खुश हुआ। अच्छा कपूर साहब देख लो कितना फर्क होता है शादी के बाद, देख लो मैडम ऐसे बात कर रही है, कपूर साहब ऐसे खड़े हुए। कपूर साहब खुल के आओ सामने। हाँ जी माइक ले लीजिए जी। हाँ जी कपूर साहब, आपने नाम बड़ा मजेदार रखा राज कपूर। हाँ अभी उन्होंने जिक्र किया और राज कपूर निकल भी आए। इनको सुन के लिया अभी। अभी आपका असली में नाम राज कपूर नहीं है? राज कपूर है, ये मेरा आधार कार्ड है। अरे नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे आप लोग? बढ़िया है बढ़िया। अरे ये लो यार, आपको पता है फाल्गुन का महीना शुरू हुआ है, फाल्गुन के महीने में कार्तिक से मुलाकात हुआ। वैसे कृति जी। हाँ जी। हम नमस्ते ही करेंगे आपसे, हाथ नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि कृति से नैन मिलाएंगे। देखिए यार आता ही थोड़ा सा पिटारा खोला है, जोक्स वोक का शुरुआत किया, चलता है यार मजा आता है। कृति जी। हाँ जी। आपका शादी हुआ तो नहीं है, लेकिन जब आपका शादी होगा ना फिर आपके बेटे होंगे, हम बताएं आपके बेटे का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? क्या नाम? संस्कृति। सन ऑफ कृति, संस्कृति। ऐसा बन जाता है यार। वैसे एक और बात बताइए, आप जब मम्मी पापा बचपन में आपको बुलाते होंगे तो कहते होंगे आकृति। ये क्या बात है, मतलब अभी जाने को कहेंगे तो कहेंगे जाकृति। ये कुछ बना नहीं। It is not that easy, Kapu Sharma. Not easy. ये एक्सपर्ट पे छोड़ दो दोस्त। करते वैसे कार्तिक जी। जी आपका फिल्म का ट्रेलर देखा हमने, उसमें इसमें तो आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ में रहते हैं। जी जी। कार्तिक जी बहुत चालाक हैं आप। हा? बहुत चालाक हैं। क्यों? नहीं आप वो अपने सोनो के T2 की स्वीटी में आप अपने दोस्त के साथ थे, दोस्त को शादी करने नहीं दिया, यहाँ पड़े मुझे से लिव इन में रह रहा है। वहां पे दोस्त के पास गर्लफ्रेंड था तो दोस्त को कह रहे हैं अरे कहाँ जा रहा है टीटू 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 टीटू, यहाँ पे खुद के पास गर्लफ्रेंड है तो स्वीटू 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 स्वीटू। वहां पे मेरा यार है तू, यहाँ पे कोका कोला तू।
वैसे हमको एक बात बताइए, लिव इन के ऊपर फिल्म है आपका, व्हाट इट मीन लिव इन, व्हाट? लड़का लड़की बिना शादी के साथ रहते ना, तो उसे लिव इन कहते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि वेयर डू यू लिव, तो आप कहते हैं आई लिव इन लिव इन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।